हम परिवर्तन करना चाहते हैं। 18 तारीख को वोट दीजिए, 3 तारीख को सरकार बनाइए, 4 तारीख से सरकारी कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग मिलेगा। हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित भाई शाह त्रिपुरा वासी भी बोले 7th पे कमीशन देंगे आपको। विजय डेंगे सिर्फ डॉक्यूमेंट से ना बोले 7th पे कमीशन देव। हमार की आर्थिक स्थिति हमारे अफिसरा की जाने ना बोले सर बोलार समय के हमें देखें नहीं तक धन की आ तक धन जगह तो हमें छिलाम ना धन जगह जरा छिल एरा तो बोल स्वर्णजुग चलते। हम 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की शपथ होगी, 4 तारीख को भाजपा IPFT की सरकार बनेगी, 5 तारीख को इसकी कैबिनेट मीटिंग होगी। सबसे पहला काम हम करने वाले हैं सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ। हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित भाई शाह त्रिपुरा वासी भी बोले 7th पे कमीशन देंगे आपको। विजय डेंगे सिर्फ डॉक्यूमेंट से ना बोले 7th पे कमीशन देव। हमार की आर्थिक स्थिति हमारे अफिसरा की जाने ना बोले सर बोलार समय के हमें देखें नहीं तक धन की आ तक धन जगह तो हमें छिलाम ना। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की शपथ होते ही दूसरे दिन त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का लाभ दे दिया गया। हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित भाई शाह त्रिपुरा वासी भी बोले 7th पे कमीशन देंगे आपको। विजय डेंगे सिर्फ डॉक्यूमेंट से ना बोले 7th पे कमीशन देव। हमार की आर्थिक स्थिति हमारे अफिसरा की जाने ना बोले सर बोलार समय के हमें देखें नहीं तक धन की आ तक धन जगह तो हमें छिलाम ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतती नहीं उसकी पहली कैबिनेट के अंदर 7th पे कमीशन को दे दिया गया। हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित भाई शाह त्रिपुरा वासी भी बोले 7th पे कमीशन देंगे आपको। विजय डेंगे सिर्फ डॉक्यूमेंट से ना बोले 7th पे कमीशन देव। हमार की आर्थिक स्थिति हमारे अफिसरा की जाने ना बोले सर बोलार समय के हमें देखें नहीं तक धन की आ तक धन जगह तो हमें छिलाम ना। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार आसार संगे संगे हमें आगे घोषणा कर 7th पे कमीशन प्रथम कैबिनेटे लागू करब। विजय डेंगे सिर्फ डॉक्यूमेंट से ना बोले 7th पे कमीशन देव। हमार की आर्थिक स्थिति हमारे अफिसरा की जाने ना बोले सर बोलार समय के हमें देखें नहीं तक धन की आ तक धन जगह तो हमें छिलाम ना। तो मेरा बात आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में सलाह देगा कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार त्रिपुरा में आएगा, 7 पे कमीशन हम लोग देगा ही देगा, नहीं तो हमको MP इलेक्शन में कोई वोट ना दे। विजय डेंगे सिर्फ डॉक्यूमेंट से ना बोले 7th पे कमीशन देव। हमार की आर्थिक स्थिति हमारे अफिसरा की जाने ना बोले सर बोलार समय के हमें देखें नहीं तक धन की आ तक धन जगह तो हमें छिलाम ना। हम परिवर्तन करना चाहते हैं। 18 तारीख को वोट दीजिए, 3 तारीख को सरकार बनाइए, 4 तारीख से सरकारी कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग मिलेगा। हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित भाई शाह त्रिपुरा वासी भी बोले 7th पे कमीशन देंगे आपको। विजय डेंगे सिर्फ डॉक्यूमेंट से ना बोले 7th पे कमीशन देव। हमार की आर्थिक स्थिति हमारे अफिसरा की जाने ना बोले सर बोलार समय के हमें देखें नहीं तक धन की आ तक धन जगह तो हमें छिलाम ना। धन जगह जरा छिल एरा तो बोल स्वर्णजुग चलते। हम 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की शपथ होगी, 4 तारीख को भाजपा IPFT की सरकार बनेगी, 5 तारीख को इसकी कैबिनेट मीटिंग होगी। सबसे पहला काम हम करने वाले हैं सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का।
और हमार पार्टी अध्यक्ष अमित भाई शाह त्रिपुरा वासी भी बोले सेवेंथ पे कमीशन देंगे आपको। विजय डेगे सब डॉक्यूमेंट हमने बोले सेवेंथ पे कमीशन देव। हमार की आर्थिक स्थिति हमार अफिसरा कि जाने ना बोले सर बोलार समय के हमें देखें नहीं तक धन की आ तखन धनेर जगह आमी छिलाम ना। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की शपथ होते ही दूसरे दिन त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग का लाभ दे दिया गया। हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित भाई शाह त्रिपुरा वासी भी बोले सेवेंथ पे कमीशन देंगे आपको। विजय डेगे सब डॉक्यूमेंट्स हमने बोले सेवेंथ पे कमीशन देव। আমার কি আর্থিক স্থিতি আমার অফিসাররা কি জানে না বলে স্যার বলার সময় কি আমরা দেখিনি তখন ধন কি আছে তখন ধনের জায়গাতে আমি ছিলাম না। ভারতীয় জনতা পার্টি কি সরকার জিততি নাই উসকি পেহলি ক্যাবিনেট কে অন্দর সেভেনথ পে কমিশন কো দে দিয়া গয়া। আমার পার্টি অধ্যক্ষ অমিত ভাই শাহ ত্রিপুরা বাসী ভি বলেছেন সেভেনথ পে কমিশন দেই দিয়া। বিজেপি ডেকে সব ডকুমেন্টস আমরা বলেছি সেভেনথ পে কমিশন দেব। আমার কি আর্থিক স্থিতি আমার অফিসাররা কি জানে না বলে স্যার বলার সময় কি আমরা দেখিনি তখন ধন কি আছে তখন ধনের জায়গাতে আমি ছিলাম না। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রদেশ সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আগেই ঘোষণা করেছি সেভেন্থ পে কমিশন আমরা প্রথম ক্যাবিনেটে লাগু করব। বিজয় ডেকে সব ডকুমেন্টস আমরা বলেছি সেভেন্থ পে কমিশন দেব। আমার কি আর্থিক স্থিতি আমার অফিসাররা কি জানে না বলে স্যার বলার সময় কি আমরা দেখিনি তখন ধন কি আছে তখন ধনের জায়গাতে আমি ছিলাম না। তো মেরা বাট আপ লোক রেকর্ড কর লিজে বাট মে সালা দেগা কি ভারতীয় জনতা পার্টি কা সরকার ত্রিপুরা মে আয়েগা সেভেন পে কমিশন হাম লোক দেগাই দেগা নেই তো হামকো এমপি ইলেকশন মে কোই ভোট না দে। বিজেপি ডেকে সব ডকুমেন্টস আমরা বলেছি সেভেন পে কমিশন দেব। আমার কি আর্থিক স্থিতি আমার অফিসাররা কি জানে না বলে স্যার বলার সময় কি আমরা দেখিনি তখন ধন কি আছে তখন ধনের জায়গাতে আমি ছিলাম না।